हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने रेसिपी पिटारा चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं बिना लहसुन प्याज के सोयाबीन की सब्जी। तो इस रेसिपी को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो बिना लहसुन प्याज के सोयाबड़ी की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं। हमने लिया है 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 बड़े टेबल स्पून तेल, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और हमें चाहिए छौंक लगाने के लिए हींग, तेज़पत्ता के साथ थोड़ा जीरा हमने ले लिया है, और धनिया की हरी पत्ती और कटे हुए 2 बड़े टमाटर। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं। हमने 250 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं और 1 कटोरी सोयाबड़ी। सोयाबड़ी को हमने भून करके ले लिया है। पैन को गरम करके उसमें तेल डाल दिया है हमने। अब इसमें जीरा और तेज़पत्ता डालते हैं। जब जीरा चटकने लगे, लाल कुटी हुई मिर्च डाल देते हैं और इसके बाद हरी मिर्च को भी डालकर हल्का ब्राउन होने देंगे। इसके बाद हमने जो कटे हुए टमाटर रखे हैं उसे डाल देंगे। आप चाहे तो पेस्ट भी बना करके ले सकते हैं, इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। हमने काट करके ले लिया है। टमाटर को थोड़ा नरम होने देंगे। इसके बाद इसमें टमाटर गलने के लिए थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। टमाटर को लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। टमाटर देखिए गल गया है। इसको हल्का सा कलछी से चलाते हुए मैश कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ भूनेंगे। लगातार चलाते रहेंगे ताकि मसाले जलने ना पाए। मसाले लगभग भून चुके हैं। अब इसमें हम सोयाबड़ी और आलू को हमने फोड़ करके रख लिया था, आलू को भी डाल करके मसालों के साथ एक बार फिर मिक्स करके 2 से 5 मिनट तक भूनेंगे। सब्जी को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। सब्जी अब भून चुका है। इसमें हम आवश्यकता के हिसाब से पानी डाल देंगे। इस सब्जी में ज़्यादा करी बनाना नहीं होता है। देखिए मैंने लगभग 2 छोटी कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसे धीमी आंच पर सब्जी में उबाल आने लगा है। इसमें हमने नमक थोड़ा पहले ही डाल दिया था और थोड़ा सा आप डाल देंगे आवश्यकता के हिसाब से। सब्जी बनकर लगभग रेडी हो गई है। अब इसे धनिया की हरी पत्तियों से सजा कर। यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।